Okay, welcome to Redix. In this session, we will discuss Bayesian proportion, previous year question from 1 to 50. देखो जो शुरुआत के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं. We have given with A's to be 7, 9 and B's to C 15, 7. We have to calculate A and C. तो देखो A में 7 है ना. अच्छा इस एक काम कर सकते हैं, A B और आपको B A to C पूछा हुआ है. This is A by B into B by C भी तो हो सकता है. A by B is 7 by 9. And this is 15 by 7. 7 cancel. This is 5 by 3. Answer is A option. ठीक है ना? Okay. We have given with x upon y is equal 1 by 3 and y upon z is equal 1 by 2. We have to calculate x y z. बड़ा important होता है. आपको देखना है x और y में 1 by 3. क्या इसमें 1 by 3 आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा है. इसमें 1 by 3 आ रहा है. इसमें 1 by 3 आ रहा है. Answer हो गया. भाई दो में मेरा एक में आ गया मेरे 1 by 3, बाकी मैं कुछ करूंगा नहीं. अगर दो में 1 by 3 आ गया तो मैं फिर बाकी के दो देखूंगा. ओके जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, P by Q is equal R by S बराबर T by U is equal 2 by 3. और आपसे जो पूछा है MP plus NR plus OT upon MQ plus NS plus OU. Now, देखो जो यहां पर M है उसके साथ देखो M यहां भी है, P और Q. P by Q यहां पर दिख रहा है, फिर इधर एन है, इधर एन है, इधर आर बाई एस है. इसका मतलब अगर ऐसा कुछ है तो आंसर सेम आता है. और एक बात और, अगर ऐसा होता है एम पी स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर अपॉन एम क्यू स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर प्लस ओ यू स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर. ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर यही होता है. इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको सीधे सीधे आंसर मार्क करना है. देखो फिर भाई इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई 2. ठीक है ना. नाउ x by, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, x by y is equal 3:1 और आपसे पूछा x cube minus y cube upon x cube. तो पहले बात तो आप इसका उल्टा निकालते हैं, इसका क्यूब करो, x cube plus y cube is equal हो गया 27 by 1. अब लगा दो cnd, याद है x cube plus y cube upon x cube minus y cube, ये कितना हो जाएगा 27 plus 1 8 upon 26 या 14 by 13. उल्टा कर दो आपका आंसर आ जाएगा. मैंने आपको एक जो समझाया लॉजिक ये समझाया कि कैसे हम सीएनडी लगा रहे हैं, सीएनडी का बड़ा यूज होता है आगे. ओके फोर्थ प्रोपोर्शनल 0.12 0.2108, माना फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है. ठीक है, तो रूल ये होता है इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल दिस प्रोडक्ट. तो 0.12x इज इक्वल 0.21 into 8. तो x इज इक्वल 21 into 8 upon 12. 3 7 जा 3 4 जा 4 2 जा, आंसर इज 14. प्रोपोर्शन होता जानते हो, ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी. इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, आगे पीछे का प्रोडक्ट अंदर के दोनों प्रोडक्ट के बराबर होता है. ठीक है. ओके 2 की पार 1.5 अपॉन 2 की पार 0.5, 2:1. ठीक है. ओके m by n is equal 3 by 2. आपको पूछा है 4m plus 5n upon 4m minus. अब यहां पर आप क्या करो, m के लोगों को 3, 5, n की 2. 12 plus 10 upon 12 minus 10. 22 by 2 और 11 by 1. Answer is C option. Okay? Okay. देखो यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. a upon b is equal 3 by 4. B upon C is equal 5 by 7 and C upon D is equal 8 by 9. और आपसे पूछा हुआ है A by D, तो देखो क्या होगा, ये A by B होगा into B by C होगा into C by D. तो रूल याद रखना, ये सब लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है. मतलब 3 by 4 into 5 by 7 into 8 by 9, 4 2 जा 3 3 जा, तो 10 by 21. D option. अच्छा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आपको a by b, b by c, c by d by c दिया, उल्टा दिया है और आपको a b c d पूछा हुआ है. तो देखो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट a b. यहां पर 9 3 है तो मैं क्या करूंगा, 2 3, मैंने 6 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा a और b का रेशियो 2:3, देखो किस ऑप्शन में 2:3 पहले आ रहा है, इसमें 2:3 है. यस ये तो आंसर ही इनकम्प्लीट है, ये 2:3 है. यस ये भी 2:3 है. अब हम निकालेंगे b to c. तो देखो यहां पे 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 4:5. क्या इसमें 4:5 आ रहा है, नहीं आ रहा है. और 12 15 में 4:5 आएगा, यस आएगा.
क्या इसमें 4:5 आएगा? आएगा, दो में आ गया। अच्छा अब सी और डी निकालो, देखो उल्टे हैं ये सी है ये डी है, तो ये जाएगा 6:7, आखिरी में 7 इसमें नहीं है, आंसर इज ओनली सी। ठीक है, एक एक करके स्टेप आते जाओगे आपको आंसर कटते चले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर बी मीन प्रोपोर्शन है तो देन बी स्क्वायर बराबर ए सी, इफ बी इज ए मीन प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर बराबर ए सी। और आपको पूछा हुआ है ए माइनस बी का होल क्यूब अपॉन बी माइनस सी का क्यूब। अब जरा ध्यान देना, अगर बोला है सुनो जरा कैसे करते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए सी बोला हुआ है। अब अगर बोला है ए बी और सी, ये बी मीन प्रोपोर्शन है, इसको ऐसे करते हैं 1:4 मान लो, समझे भाई ये तरीका होता है, 1:4 मान लो, वैल्यू पुट करो ए माइनस बी 1 और नीचे बी माइनस सी 1/8, माइनस का आंसर 1/8। और अब देखो किस ऑप्शन से 1/8 आएगा, ए क्यूब बाई सी क्यूब नहीं देगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब हो सकता है, हाँ ए क्यूब बी क्यूब, ये आंसर डी, समझे? ये आसान होता है मैनेज करना चीजों को। ओके 6200 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट इन द रेशियो 1:3, 1:3, 1:5, एलसीएम कितना आया? 15:10:6, इस रेशियो में बांटना है आपको। इसका मतलब पहले वाले की जो वैल्यू होगी 15 का मल्टीपल होगी, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं बात, पहली वैल्यू 15 का मल्टीपल ढूंढनी है आपको, 15 मल्टीपल एक ही आंसर आ रहा है पहला पार्ट। नेक्स्ट 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो। देखो 5th पार्ट 1/5 ऑफ फर्स्ट पार्ट x एंड द 8th पार्ट ऑफ वन सेकंड नंबर इज इक्वल 3/4, तो ये हो जाएगा ये सेकंड नंबर y, 8x अपॉन 5y इज इक्वल 3/4, x अपॉन y इज इक्वल, है ना? तो वैल्यू हो गया, रेशियो हो गया 15:32, 47 यूनिट इज इक्वल 94, तो 1 यूनिट इज इक्वल 2, पूछा गया है द फर्स्ट पार्ट 15:30, दो से मल्टीप्लाई कर दो 15 को, a बाई बी इज इक्वल 5/7 और c बाई डी इज इक्वल 2a/3b, और a बाई बी का वैल्यू कितना है तो 10/21। पूछा गया है acbd, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ac/bd हो जाएगा कितना 5:10/7:21, तो ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया, ओके x अपॉन y इज इक्वल 3:2, देन 2x² + 3y² / 3x² - 2y² वैल्यू पुट करो x की 3 और y की 2, तो 2×9 + 3×4 / 3×9 - 2×4। अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, a:b = b:c, मतलब 1:4, ठीक है, अगर मिडिल में b है तो इसका मतलब दोनों को हम 1:4 मान लिया। पूछा है a:4/b:4 1/16 किस ऑप्शन में आ रहा है, ac, हाँ a² b ऑप्शन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अजम्पशन बहुत आसान रहता है अगर आप वैल्यू अज्यूम कर लो। देखो कैसे मैं शॉर्ट में करता हूं, मैं इसको एग्जाम लेवल बता रहा हूं मैं क्या सोचता, a बाई बी होता 4:3 नहीं हो सकता, 4:3 नहीं हो सकता, 4:3 हो सकता है, खत्म क्वेश्चन। नहीं बात क्या की भाई, मुझे पहला ए और बी 4:3 दिख गया, अब आपके पास टाइम ज्यादा हो पीएचडी करने अलग बात है, लेकिन लॉजिकल आपको आंसर समझ में आ गया ना, क्या कहना 4:3 ढूंढा, पहले दो पार्ट 4:3 देंगे, तो ऑप्शन में देखो 6:4 में 3:2 आ रहा है मुझे 4:3 चाहिए, दूसरे में 3:4 आ रहा है मुझे 4:3 चाहिए, तो सेकंड थर्ड में आ रहा है 4:3 और लास्ट में भी 2:3 आ रहा है, ठीक है ना, आंसर मेरा क्या हो गया सी ऑप्शन। ओके एबीसी 2:3:4 है, देखो यार, और आपको पूछा है ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए, तो मैं क्या करूंगा ए की वैल्यू 2, बी की 3 और सी की 4 पुट कर दो, 2/3, 3/4 और 4/2, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 8:9:2, 24 सी ऑप्शन, ठीक है ना।
ए बी बी सी डी ई एफ का रेशियो 1:2, तो ये वैल्यू क्या आएगी? बताया था अभी, वो सेम आनी आनी है, तो भाई क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ए बाई बी प्लस सी इज इक्वल 1:3, सी बाई ए प्लस बी इज इक्वल 5:7। यहां से हमारे पास आएगा 3a इज इक्वल बी प्लस सी, और यहां से आएगा 7c इज इक्वल 5a प्लस 5b। अब मुझे पूछा है, मैं कुछ भी करके किसी तरह से b को या a को, a और b को इन टर्म्स ऑफ c ले आऊंगा, है ना। यहां से c की वैल्यू होगी 3a माइनस b। अच्छा 7c, c इज इक्वल 5a प्लस 5b अपॉन 7, तो यहां पे c वैल्यू पुट कर दो, 5a प्लस 5b इज इक्वल 21a माइनस 7b। मैं 7 इधर ले आया, तो जाएगा 12b इज इक्वल 16a, 3b इज इक्वल 4a, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 4a बाई 3। अब b का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो c हो गया 3a माइनस 4a बाई 3 या 5a बाई 3। c का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a आ गया, b का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ a आ गया। पुट करो b अपॉन a प्लस c, b कितना है 4a बाई 3, नीचे a प्लस 5a बाई 3, 3LCM आएगा 4a बाई 8a, आंसर इज 1/2, ये ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पी क्यू आर आपको दिया हुआ है 1:2:4। देखो ध्यान देना, जो आपको पूछा गया है उसके इक्वल में क्यू की टर्म्स में और पी की टर्म्स में आंसर आ रहा है, पी क्यू आर की टर्म्स में आंसर आ रहे हैं। मैं क्या करूंगा, अगर मैं सबको ऐसे मानता हूं, ये एक्स, ये 2x और ये 4x, इस हिसाब से पी का मान एक्स हो गया ना, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं p2p4p, ये भी तो कर सकता हूं भाई। अगर ये p है, मुझे आंसर उस फॉर्म में लाना है, x बराबर p हो गया यहां पर, तो रखो जरा वैल्यू, 5p² प्लस q की जगह कितना हो गया 4p² प्लस 16p², ये कितना हो गया 25p² अंडर रूट, तो 5p आंसर इज। अच्छा मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू नंबर, जब भी मीन प्रोपोर्शन मतलब b² बराबर ac होता है, तो b इक्वल ac, दिस बी इज मीन प्रोपोर्शन, एसी इनका प्रोडक्ट करोगे तो देखो 3+√2 और 12-√32। ध्यान देना कि स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूं 4, 3-√2, ठीक है, दिस इज 4 बाहर आ गया, ये हो गया 3, 9-2 और 2√7, बी ऑप्शन। एक्स वाई 2:3 है, तो 3x प्लस 2y इज अपॉन 9x प्लस 5y, ये निकालना है आपको, वैल्यू पुट करो x को 2 y को 3, 6 प्लस 6 अपॉन 18 प्लस 15, ठीक है 12/33 या 4/11, बी ऑप्शन। ठीक है ना, नाउ ए बी सी थ्री नंबर सच दैट ए बाई बी इज इक्वल 3/4, बी बाई सी इज इक्वल 8/9, पूछा ए बाई सी क्या होगा, ए बाई बी इंटू बी बाई सी, तो 3/4 इंटू 8/9, 2/3, ठीक है, ए बी इज टू बी इज टू सी इज इक्वल 2:3:4 एंड 2a-3b प्लस 4c इज इक्वल 33। देखो यार क्या करेंगे, यहां से a मान लो 2x, b मान लो 3x एंड c मान लो 4x, रेशियो नहीं तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, 4x-9x प्लस 16x इज इक्वल 33, ये कितना हो गया 11x इज इक्वल 33, x कितना हो गया, तो c कितना हो गया 12, ठीक है ना, आपको c की वैल्यू पूछी, तो आपको ये करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, a बाई बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, c बाई डी इज इक्वल एम ए प्लस एन सी, नहीं ये पूछा हुआ है आपसे, अब आप क्या करो, इसको वैल्यू कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं हम के, तो यहां से ए हो गया बी के और सी हो गया डी के, जरा पुट करो एम ए एन सी एम बी प्लस एन डी, एम ए ए की जगह बी के, एम बी के प्लस एन डी के अपॉन एम बी के, बी ऐसे रहेगा प्लस डी के, यहां से के कॉमन आएगा, एम बी प्लस एन डी अपॉन एम बी प्लस डी के, ये कर गया पूरा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये नहीं हो सकता इसके बराबर, तो इसका मतलब कौन सा इज नॉट इक्वल टू, पूछा था आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन।
देखो सारे इक्वल के आ जाएंगे भाई, आप एक ही जगह रख दो आप बी के और सी की जगह डी के, वो सब कट जाएगा, के ही बचेगा, तीनों के दे रहे हैं लेकिन बस आखिरी वाला उसके बराबर नहीं आ रहा है हमको, ये तो मुझे कौन सा इक्वल नहीं है। द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 4:5 एंड दैट ऑफ, देखो ए इज टू बी 4:5, बी इज टू सी इज 2:3। अच्छा ए कितना है 800, तो अगर चार में कितना मल्टीप्लाई कर 800 आ जाए, तो यहां भी 200 से करो तो 1000 यहां पर आ गया। अब बी बराबर 1000 तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाए 500, यहां भी 500 करना पड़ेगा 1500, या तो कंबाइन करो या ऐसे कर लो डायरेक्ट। अच्छा ए बी सी रेशियो इज 7:3:5 बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, डायरेक्टली पुट द वैल्यू। तो देखो ए की वैल्यू 7+3+5 नीचे 14+3-5 तो कितना हो गया 15/12 5/4। रेशियो जब पूछा जाए ना तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, ए बी 2:3 तो 2:3 इसमें आ रहा है, 2:3 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें 2:3 नहीं आ रहा है, इसमें 2:3 आ रहा है, आखिरी में 4:5 है, इसमें 4:5 नहीं आ रहा है, आंसर इज डी। अरे समझे, इफ टू टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री टाइम्स, टू टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल थ्री टाइम्स बी, देन ए बाई बी इज इक्वल 3/2 एंड ऑल्सो इक्वल टू 4c, तो बी बाई सी इज इक्वल कितना है 4/3 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 6/4, तो ए इज टू बी इज टू सी कितना हो गया 6:4:3। आप डायरेक्ट रूट वो भी लगा सकते थे, ए बी देख के भी लगा सकते थे। ओके ए बी 2:3 बी सी, देखो ए डी पूछा हुआ है, ए बाई डी क्या होगा ए बाई बी प्लस इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, तो 2/3 इंटू 2/4 इंटू 2/5, तो ये 4:2 जा हो गया 2/6 नहीं 15। ए बी सी 3/4/7 रेशियो पूछा हुआ है, जब रेशियो पूछे तो क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 3+4+7/7 आंसर इज 2 ए ऑप्शन। ओके ए बी का रेशियो दे रखा है आपको 3:4, बी सी का रेशियो दे रखा है 12:13, आपको ए सी पूछा हुआ है मल्टीप्लाई कर दो 3:4, 12:13, 9:13 आंसर इज बी ऑप्शन। ए इज टू बी 3:2, बी इज टू सी 3:4, ए सी पूछा हुआ है, ए बाई सी क्या होगा 3/2 इंटू 3/4 9/8 डी ऑप्शन। एक्स बाई वाई इज इक्वल 2:1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, वैल्यू पुट करो एक्स की जगह कितनी 2 और वाई की जगह 1, 4-1/4+1 आंसर इज 3/5। 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, देखो 1000 को डिवाइड किया 3:2 में, तो 3 यूनिट बराबर पूछी है आपसे ए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए केवल एक ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। ओके W1/W2 इज इक्वल 2:3 एंड W1/W3 इज इक्वल 1:2, देन W2/W3 देखो यार अब आपको करना क्या है, W2/W3 क्या होगा W2/W1 इंटू W1/W3 ये तो होगा, और W2/W1 क्या है 3:2 उल्टा दे रखा है, और W1 ये दे रखा है 1/3/4 आंसर। ओके 3x इज इक्वल 5y इज इक्वल 4z इज इक्वल मान लो k, तो देखो x इज इक्वल k बाई 3, y इज इक्वल k बाई एंड जेड इज इक्वल के बाई 4, वी हैव टू कैलकुलेट x इज टू y इज टू जेड, k बाई 3 इज टू k बाई 5 इज टू k बाई 4, एलसीएम कितना आ गया 60 से मल्टीप्लाई को k काट दो तो 20:12:15। ए बी 3:4 बी सी, अच्छा a अपॉन a प्लस सी पूछा हुआ है तो कंबाइन करेंगे हम, ए बी दिया है 3:4 बी सी दिया हुआ है तो यहां कर लेते हैं, ए इज टू बी दिया हुआ है आपको 3:4 बी इज टू सी दिया हुआ है 6:5, तो मुझे दोनों बराबर करने पड़ेंगे b वाले, तो इसमें मैं गुणा करूंगा 3 से इसमें करूंगा 2 से, तो a इज टू b इज टू c क्या हो जाएगा 9:12:10। अब हमको पूछा है a अपॉन a प्लस सी, तो a कितना है 9, 9+10, 9/19 सी ऑप्शन। इफ a एंड b आर रैशनल नंबर एंड a, देखो यार a प्लस b रूट 3 इज इक्वल 1 अपॉन, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज 2+√3 भी हो सकता है, कंपेयर करो a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 1,
ए अपॉन वन पूछा हुआ है, टू इज टू, ए अपॉन बी पूछा हुआ है, टू इज टू वन, बी ऑप्शन। ए बी थ्री इज टू फोर, बी सी एट इज टू नाइन, तो देखो एबीसी पूछा हुआ है, थ्री फोर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, टू ये हो सकता है, ये नहीं होगा, खत्म क्वेश्चन। 78 इज डिवाइडेड थ्री पार्ट विच आर इन, देखो वन इज टू वन बाई थ्री इज टू वन बाई सिक्स, एलसीएम ले लो, सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स टू वन, तो मिडिल पार्ट पूछा हुआ है, सिक्स टू एट वन नाइन, नाइन यूनिट इज इक्वल 78, तो टू यूनिट इज इक्वल 78 इंटू टू अपॉन नाइन, है ना, तो थ्री से कटेगा एक बार, 52 बाई थ्री और 17 होल 1 बाई थ्री, सी ऑप्शन। इसमें x की जगह 5, y की जगह x की 4, y की जगह 5 रख दो, हाँ सी आंसर आ जाएगा, 17 आएगा एक में, यह केवल, अच्छा x की जगह 5, y की जगह 6, 3 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 36, तो 75 माइनस 72 3 आएगा, केवल सी ऑप्शन में। ओके एक्स वाई इज इक्वल 3 बाई 4, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 32 पर आएगा, नीचे हो जाएगा 15 माइनस 8 7, 32 बाई 7, आंसर इज बी, ठीक है भाई। ए बी 2 3 बी सी दिस, तो ए बी सी पूछा हुआ है, ए बी, अच्छा देखो 6 11, सी में 11, सब में 11 दिया हुआ है, 2 3 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, अच्छा उसके बाद बीसी में 6 11 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर इज सी, ठीक है ना, हमने देख लिया क्या नहीं हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ है, जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से नहीं हो सकता वो हटा देंगे। ओके टू थर्ड ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी, तो देखो ए बाई बी इज इक्वल 4/5 इंटू 3/2, 6/5 बी ऑप्शन, ठीक है। 2/3 ऑफ ए इज इक्वल 75% ऑफ बी, मतलब 0.75 बी इज इक्वल 0.6 सी, अच्छा एबीसी पूछा हुआ है आपसे, तो इसको 3/4 भी कर सकता हूं ना मैं, तो ए बाई बी इज इक्वल, इन दोनों को ले रहा हूं मैं 9/8, केवल ये ऑप्शन में हो सकता है ऐसा, धन्यवाद भाई, ए बाई बी 9/8 आ गया, दो एक ही जगह है बस, वो आंसर होगा मेरा। रुपीज 33630 आर डिवाइडेड अमंग एबीसी इन सच ए मैनर दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट, देखो है ए बी के अमाउंट है रेशियो 3:7 एंड बी और सी का अमाउंट का रेशियो है 6:5, द अमाउंट रिसीव्ड बाई बी, तो देखो एक बात समझना, पहले तो मैं इनको कंबाइन करते हैं, देखो ए बाई बी आपको दे रखा है 3:7, बी टू सी दे रखा है 6:5, तो अब इसको कंबाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से इसको 7 से, तो 18:42:35 ये रेशियो हो गया, है ना, अच्छा जो ये वैल्यू आई 42, इसका मतलब जो मेरी वैल्यू होगी बी का पूछा है ना, इट वुड बी मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज 7, तो देखो ये 3 का मल्टीपल है, यस हाँ ये 3 का है, ये भी 3 का है, साढ़े 3 के हैं, अच्छा अब 7 का चेक करेंगे, ये 7 का है, ये 7 का है, ये नहीं है, ये नहीं है, और 7 × 7 = 53 ये है, अच्छा सुनो अब मेरा बचता है, अच्छा एक काम और करते हैं, अब समस्या आगे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अब थोड़ा फंसेगा क्वेश्चन, अब आप इनको जो जोड़ो, इनका समय आएगा कितना 95 यूनिट बराबर 33630, ये तो होगा, और 1 यूनिट इज इक्वल कितना हो जाएगा 33630 अपॉन 95, 33630 है, गलत कर गया हम लोगों, 95 से जाएगा 19 5 जा 19 1 जा और 7 जा और बचेगा 136 0 और 5 3 जा 5 जा और 4 जा 354 × 42 आखिरी में 8 आएगा, ओनली आंसर ए, 0 नहीं आएगा ना आखिरी में, बस ये कंफर्म होगा 0 नहीं आएगा हमारे पास, अच्छा अब इसका तरीका और दूसरा तरीका देख लो जरा, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो यार हमारे पास ये 42 यूनिट पूछा हुआ है,
इन सब सबका समय है 95, तो हम करेंगे 42 इंटू अपॉन 95 इंटू 3 3, ये तो करोगे, यहां पर एक जीरो आ रहा है और यहां पर एक पांच है, तो इस पांच से जीरो कटना ही कटना है, इसका मतलब जीरो आखिरी में नहीं आएगा, केवल ए ऑप्शन होगा। मतलब ऐसे कुछ ट्रिक बनानी पड़ती है यार, आप छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को, यार नहीं ये हो सकता है, जब बिल्कुल फुल प्रूफ हो तब छोड़ोगे क्वेश्चन। हमने देख लिया गड़बड़ थी पिछले में, रुका इस क्वेश्चन में मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना घटिया था क्वेश्चन, ए बी 3 5, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा फिर बी सी 4 7 है, ये नहीं होगा, यहां पर ये नहीं होगा, आंसर इज डी।